हाँ शुरू किया जाए भाई। तो कल हमारे आपके बीच में चल रही थी बात इंडोक्राइन सिस्टम की। इंडोक्राइन सिस्टम में इंडो मीन्स मैंने बताया था इंटरनल, और क्राइन मीन्स मैंने बताया था सिक्रीशन। मतलब इंडोक्राइन की मीनिंग मैंने क्या बताया था, इंटरनल सिक्रीशन बताया था। ये भी बताया था कि इंटरनल सिक्रीशन टर्म किसने यूज किया था, तो क्लाउड बर्नार्ड ने यूज किया था। मतलब टर्म इंटरनल सेक्रीशन फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय क्लाउड बर्नार्ड। दूसरी बात मैंने बताया था इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी मटेरियल सेक्रीट होता है उसे हार्मोन कहते हैं। एक साइंटिस्ट है हक्सले, हक्सले ने हार्मोन को क्या कहा था, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था CAMP, कैल्शियम आयन IP3 को क्या कहा जाता है, सेकेंड केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन किसने दिया था, स्टार्लिंग और बैलिस ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, हार्मोन क्या इन्होंने बताया था, कहा था कि हार्मोन नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल्स होते हैं और एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड सीक्रेट स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया था कि इंडोक्राइन सिस्टम प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन नर्वस सिस्टम केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांटों में नहीं पाया जाता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस मैंने बताया था डायसेंफेलॉन का बेसल पोर्शन है, और हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं, और जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। और इनके द्वारा दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मैंने बताया था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, जो FSH और LH मतलब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। और दूसरा मैंने बताया था इनहिबिटिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट होता है, और सोमैटोस्टैटिन क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कम करता है। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से सिक्रीट होता है, अग्रपिंड से सिक्रीट होता है। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर है मस्तिष्क में पाई जाती है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। अगर जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, एक बोन का सॉकेट होता है, उस बोन के गड्ढे को क्या कहते हैं, इस प्रकार से ये गड्ढा होता है, बोन के गड्ढे को क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। तो ये जो गड्ढा होता है इस गड्ढे को क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। तो ये गड्ढा कहलाता है सेला टर्सिका कहलाता है, टर्सिका कहलाता है। और इस सेला टर्सिका के अंदर एक गड्ढा पर ये इनफेंडिबुलम होता है, मतलब स्टॉक होता है, ये स्टॉक। और इस स्टॉक के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे की तरफ लटकी हुई पाई जाती है, तो ये कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यह पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। अगर जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड कितने लोब से मिलकर के बनी होती है, तीन, तीन लोब देखिए कौन कौन से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड थ्री लोब से मिलकर के बनी होती है, इस प्रकार से थ्री लोब्स। अब देखो थ्री लोब्स कौन कौन से होते हैं, यह तीन लोब्स होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड तीन लोब से मिलकर के बनी होती है। तो
तुम्हें ध्यान रखना है इस लोब को क्या कहते हैं, एंटीरियर लोब कहते हैं। ये एंटीरियर लोब कहलाता है। इस लोब को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब या मिडिल लोब कहते हैं। ये क्या कहलाता है, मिडिल लोब कहलाता है। और इन दोनों लोबों को मिलाकर क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और इस लोब को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ये पोस्टीरियर लोब कहलाता है, ये पोस्टीरियर लोब कहलाता है। या इसी का दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा कहलाता है। तो ये कहलाता है पार्स नर्वोसा कहलाता है, पार्स नर्वोसा। और एडिनो हाइपोफाइस या एंटीरियर लोब को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पार्स डिस्टेलिस भी कहते हैं। तो ये कहलाता है पार्स डिस्टेलिस, डिस्टेलिस कहलाता है। तो हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तीन लोब से मिलकर के बनी होती है। तीन लोब कौन कौन से हैं, एक एंटीरियर लोब है, दूसरा मिडिल लोब है और तीसरा पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब और मिडिल लोब दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और पोस्टीरियर लोब को ही क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम है न्यूरो, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, फाइसिस कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब इससे कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और इस वाले पोर्शन से कितने हार्मोन, सात हार्मोन सिक्रीट होते हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल हार्मोन कितने सिक्रीट होते हैं, नौ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो देखा जाए, मैंने तुम्हें क्या बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर ब्रेन में पाई जाती है और तीन लोब से मिलकर के बनी होती है। एक एंटीरियर लोब है, दूसरा मिडिल लोब है और तीसरा पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब और मिडिल लोब दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और इससे सात हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पोस्टीरियर लोब को ही क्या कहा जाता है, पार्स नर्वोसा कहते हैं या न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो इससे कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सात। और इससे कितने सिक्रीट होते हैं, दो। एंटीरियर लोब को ही क्या कहते हैं, पार्स डिस्टेलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्स डिस्टेलिस भी कहते हैं। दूसरी एक चीज़ और देखा जाए, यहाँ पर हाइपोथैलेमस में क्या होता है, इस प्रकार से नर्व सेल होती है और नर्व सेल के एक्जॉन इस प्रकार से इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर आ जाते हैं और इनके अंतिम श्रेष का इस प्रकार से फूल जाते हैं और ग्लैंडुलर हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, हेयरिंग बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हेयरिंग बॉडीज कहलाते हैं, हेयरिंग बॉडीज कहलाते हैं, या हेयरिंग बॉडी लिख दो, हेयरिंग बॉडी कहलाते हैं। अब देखा जाए और इसके अंदर एक सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं, पिट्यूसाइट सेल्स कहते हैं। और इसमें फैट को स्टोर किया जाता है, तो ये क्या कहलाती है, पिट्यूसाइट सेल कहलाती हैं, पिट्यूसाइट सेल्स कहलाती हैं। अब देखा जाए एक्चुअल में क्या होता है, यही हाइपोथैलेमस के नर्व सेल से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं और रिलीज़ किए जाते हैं। एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये नहीं बनते हैं, हाइपोथैलेमस की नर्व सेल में बनते हैं, जो एग्जान के द्वारा कहाँ आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं और रिलीज़ किए जाते हैं। दो हार्मोन कौन कौन से हैं, एक तो है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा है, वैसोप्रेसिन। यहाँ सबसे पहले हम एंटीरियर लोब की बात करने जा रहे हैं। एंटीरियर लोब की बात करें तो मैंने बताया इसे सात हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब सात हार्मोन कौन कौन से सिक्रीट होते हैं, सुनिए, सात हार्मोन देखिए कौन कौन से सिक्रीट होते हैं। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा है,
ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। अब ग्रोथ हार्मोन के बारे में देखा जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। ग्रोथ हार्मोन इसी को क्या कहते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। चाहे ग्रोथ हार्मोन कहो और चाहे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहो, दोनों बातें एक हैं। STH कहो, दोनों बातें एक हैं। तो चाहे ग्रोथ हार्मोन कहो और चाहे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहो, दोनों बातें एक हैं। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये मालूम है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और नाम से ही ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ पर कंट्रोल करता है। अब इसके फंक्शन को जरूर तुम्हें याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है? सेल के अंदर DNA, mRNA और किसी RNA को नहीं, मैसेंजर RNA के सेंसेस को बढ़ाता है, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर म्यूकोपॉलीसेक्राइड के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, कोलेजन फाइबर के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, बोन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ये सब किसके काम होते हैं? ग्रोथ हार्मोन के होते हैं। अब दो बातें हो सकती हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में कम मात्रा में सेक्रेट होता है तो बच्चों में बोन का फॉर्मेशन ठीक नहीं होगा, IQ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बच्चे कैसे रह जाएंगे? बौने रह जाते हैं। तो GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशंसी से जो बच्चे बौने रह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एटिलियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटिलियोसिस कहते हैं। तो अगर बच्चों में यह हार्मोन कम मात्रा में सेक्रेट होता है तो बच्चे बौने रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? एटिलियोसिस कहते हैं। और ये बच्चे प्रायः सर्कस में काम करते हैं तब इन्हें क्या कहते हैं? मिजेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजेट्स कहते हैं। तो GH हार्मोन की कमी से जो बच्चे बौने रह जाते हैं उन्हें एटिलियोसिस कहते हैं, और ये बच्चे प्रायः सर्कस में काम करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? मिजेट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मिजेट्स कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर बाल्यावस्था में ये अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तो बच्चे बाल्यावस्था में ही बहुत भारी भरकम हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? जेजेंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जेजेंटिज्म कहते हैं। तो तुम्हें मालूम हो गया ग्रोथ हार्मोन अगर कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो बच्चे बौने रह जाते हैं जिन्हें एटिलियोसिस कहते हैं, और अगर बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है तो बच्चों में ग्रोथ जो रहती है वो एक्सेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे बच्चे बाल्यावस्था में ही बहुत भारी भरकम हो जाते हैं, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? जेजेंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जेजेंटिज्म कहते हैं। अब एडल्ट की बात करो, अगर एडल्ट के अंदर ये कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? साइमन डिजीज़ कहते हैं। मैंने क्या बताया? अगर एडल्ट के अंदर ये कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाती है, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? साइमन डिजीज़ कहते हैं, साइमन। और अगर एडल्ट के अंदर अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तो फेस की बोन के ऊपर, हाथ पैरों की बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट एक्युमुलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा एकत्रित हो जाती है, जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा भारी भरकम गोरिल्ला के समान दिखाई देने लगती है, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? एक्रोमेगैली कहते हैं। मैंने क्या बताया? अगर एडल्ट के अंदर यह अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तो चेहरे की बोन्स के ऊपर, हाथ पैरों की बोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट एकत्रित हो जाती है, वसा एकत्रित हो जाती है, जिससे शरीर एकदम भारी भरकम गोरिल्ला के समान दिखाई देने लगता है, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? एक्रोमेगैली डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोमेगैली डिजीज़ कहते हैं। आगे देखा जाए, अगर ये ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होता है तो बॉडी का इतना पोर्शन क्या कहलाता है? एब्डोमिनल रीजन कहलाता है, और एब्डोमिनल रीजन की जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम, ये झुक जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है, जैसे यहाँ पर एक कूबड़ निकल आता है, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? काइफोसिस डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? काइफोसिस डिजीज़ कहते हैं।
तो काइफोसिस में मैंने क्या बताया, एब्डोमिनल रीजन की जो बैकबोन होती है ऐसे बेंड हो जाती है, जैसे यहाँ पर कोबर निकल आता है पीठ पर, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, काइफोसिस डिजीज़ कहते हैं। तो एक्रोमिगैली और काइफोसिस डिजीज़ किससे होता है, ग्रोथ हार्मोन के अधिक सिक्रीशन से होता है, लेकिन साइमन डिजीज़ ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रीशन से होता है। वैसे ही बच्चों में एटिलियोसिस ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रीशन से होता है, और अगर जो हम जिजेंटिज्म की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन की अधिक मात्रा के सिक्रीशन से होता है। दूसरी बात देखा जाए, दूसरा हार्मोन देखा, ये तो पहला हार्मोन हुआ, दूसरा हार्मोन कौन सा है, FSH। ये दूसरा हार्मोन FSH, FSH का पूरा नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये टेस्टिस और ओवरी के ऊपर जा कर के एक्ट करेगा। टेस्टिस के अंदर क्या कराता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, और ओवरी के अंदर ओजेनेसिस कराता है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा और ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन नहीं होगा। तीसरा हार्मोन कौन सा होता है, तीसरा हार्मोन LH होता है। LH का पूरा नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी कहाँ से सेक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सेक्रेट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में क्या काम करता है, मेल में ये क्या काम करता है, मेल के अंदर एक सेल पाई जाती है टेस्टिस में, जिन्हें लीडिंग सेल कहते हैं, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल का पाया जाना मेल की टेस्टिस का स्पेसिफिक करैक्टर होता है, या मैमल्स की टेस्टिस का स्पेसिफिक करैक्टर होता है। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल केवल मैमल्स की टेस्टिस में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं, तो वहाँ से सिक्रीट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये क्या काम करता है, इन लीडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन के सेक्रीशन को बढ़ाता है। एंड्रोजन हार्मोन का मेल हार्मोन कौन सा, मेन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है एंड्रोजन्स का मेन हार्मोन। और ये FSH और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोनों मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस पर कंट्रोल करते हैं, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन कराते हैं। इन दोनों हार्मोन को एक साथ क्या कहते हैं, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, मतलब GTH कहते हैं। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का मतलब एक्ट ऑन द गोनेड। अब फीमेल में ये क्या काम करता है, LH फीमेल में क्या काम करता है, मैच्योर ये ओवुलेशन पर कंट्रोल करता है, एंडोसर्ग पर कंट्रोल करता है। प्रश्न आता है कि ओवुलेशन क्या होता है, जब ओवा ओवरी से बाहर निकलता है तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। मैंने क्या बताया, व्हेन ओवा कम्स इन द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम ओवरी, दिस इज नोन एज ओवुलेशन। तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जब फटती हैं तब ओवा ओवरी से बाहर आ जाता है, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। और फट और ये क्या काम करता है फीमेल में, LH ये रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स को कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कराता है, मतलब LH हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन और उसके डेवलपमेंट पर भी कंट्रोल कराता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, मेल में LH क्या काम करता है, टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। और एंड्रोजन हार्मोन का मेल हार्मोन को मेन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे सिक्रीट होने लगेगा मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप होने लगेंगे, जैसे दाढ़ी मोछ आ जाएगी, भारी आवाज़ हो जाती है, ये सब करेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो मेल में जैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर डेवलप होते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को ही क्या कहते हैं, लेबिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबिडो कहते हैं, LIBIDO।
LIBIDO लेबिडो कहते हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को ही क्या कहते हैं, लेबिडो कहते हैं। फीमेल में मैंने क्या बताया, ये ओवुलेशन पर कंट्रोल करता है और कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन और कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट पर कंट्रोल करता है LH हार्मोन। दूसरी बात देखा जाए, तीसरा हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है, एक चीज़ और यही बता दें, मैंने बताया फीमेल में LH हार्मोन ओवुलेशन पर कंट्रोल करता है और कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट पर कंट्रोल करता है। जब कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, ये प्रेगनेंसी पीरियड में यूट्रस के अंदर ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल पर फैट और ग्लाइकोजन को डिपॉजिट कराता है, मतलब यूट्रस को तैयार कराता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, इसका मतलब बच्चा यूट्रस के अंदर नहीं रुक पाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। तीसरा हार्मोन देखा जाए कौन सा होता है, चौथा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। लैक्टिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन का ही दूसरा नाम क्या है, मैमोट्रॉपिक हार्मोन MTH कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन LTH कहते हैं, ये R है। तो चाहे हम प्रोलैक्टिन कहें, चाहे मैमोट्रॉपिक हार्मोन कहें, चाहे ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन कहें, ये सारी बातें एक होती हैं। और ये हार्मोन क्या काम करता है, मैमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, स्तन ग्रंथियों के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। इन दोनों पर क्वेश्चन आ चुके हैं कि मैमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कौन कराता है, तो आपका आंसर होगा प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन का ही दूसरा नाम क्या है, मैमोट्रॉपिक हार्मोन, या इसी का तीसरा नाम क्या है, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। अगली बात देखा जाए, नेक्स्ट पांचवा हार्मोन देखो कौन सा होता है, ये टीएसएच होता है। इसका पूरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है, किसकी एक्टिविटी पर, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है TSH। नेक्स्ट देखा जाए कौन सा है, ACTH हार्मोन, छठा हार्मोन कौन सा होता है, ACTH हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्या है, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करता है, एडिनल ग्लैंड की एडिनल कार्टेक्स भाग की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है, मतलब एडिनल ग्लैंड जो है वो दो पार्टों से मिलकर बनी होती है, इनर पार्ट कौन सा है, एडिनल मेडुला, और बाहर का पार्ट कौन सा है, एडिनल कार्टेक्स। तो ये दो पार्टों से मिलकर बनी होती है एडिनल ग्लैंड, इनर पार्ट एडिनल मेडुला और आउटर पार्ट एडिनल कार्टेक्स। तो ये किस पर कंट्रोल करता है, एडिनल कार्टेक्स पार्ट की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है, मतलब एडिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कार्टिकोइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। किसको, कार्टिकोइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। इसकी डिटेल चर्चा अपन करेंगे एडिनल ग्लैंड जब पढ़ेंगे तब। तो आज की सेवा इतनी, फिर नेक्स्ट डे अगली क्लास में बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनके काम क्या हैं। बेस्ट ऑफ लक।